कैमरा वालों को दिखना चाहिए, ये थोड़ा नीचे ही ये सामने वाले। अच्छा, ये रणबीर क्या इसको हमको 10 लाख तक ले जाना है, 10 से 12 लाख तक। उसके लिए सर जो कंफर्म हो गया है सर, अब जैसे ही पैसा आ जाएगा सर फिजिकली ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। 5 करोड़ तो आ गए, रखो मैं रख दे। सर नहीं 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 रख सर, नहीं सर सर आप आता सर आप जोड़ दीजिए सर। सर यहाँ से 1800 स्क्वायर फीट की ये नई बिल्डिंग बनेगी। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के ओर से आज के दौरे में मुझे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आने का मौका मिला। आज हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जहां खड़े हैं, वहां बहुत ही पुराना हमारा सीमेंट स्टेशन है। यहां लोकल जितनी आवश्यकता है उतने फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन करने की उनकी क्षमता है, मगर यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ की ओर से और यहाँ के स्थानीय तंत्र की ओर से इसको डेवलप करने की डिमांड आएगी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने 21 करोड़ रुपये की राशि देकर इसका सुदृढ़ीकरण करने का प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन भी हमने लगा दिए हैं, 6 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण का काम समाप्त हो जाएगा और इसी के चलते यहाँ के लिए जितनी आवश्यकता होगी इतने सीमेंट तो अवश्य मिलेंगे, मगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। और इसी के चलते यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इस काम के कारण यहाँ के दूध उत्पादकता में बहुत ही अच्छी वृद्धि हो सकती है। इनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट में इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़ा बल मिल सकता है और ऐसे कार्यक्रमों से ही हमारे पशुपालकों की आय में भी वृद्धि करने का एक बहुत अच्छा काम इस कार्यक्रम के जरिए शुरू होगा। बहुत बहुत